जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से? आसिफ, मैं श्रीनगर से हूँ। धारा 370 जो थी, उसके जब वो पहले लगी थी तब क्या हा? हमें मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क उसे दिखा नहीं, इसलिए लगा रहे या हट जाए तो एज इट इज़ है, कोई मतलब ज़्यादा मसला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहरा दिया है, ठीक है, रहने दीजिए। तो कुछ कोई हुई कश्मीर में? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उस चीज़ से कोई ना माइनस पॉइंट हुआ ना प्लस पॉइंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी पीस है वहाँ पे, वो अच्छी बात है। टूरिस्ट का काफ़ी ये टर्नओवर है अभी, तो पिछले साल भी लगभग 80 लाख टूरिस्ट आ गए, तो वो अच्छी चीज़ है। फैक्ट्रीज वगैरह कुछ लगी? फैक्ट्रीज वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टूरिज़्म काफ़ी बूस्ट हुआ। मेन जो इंडस्ट्री है टूरिज़्म की, पीस है वहाँ पे, तो वहाँ पे टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं, अमन है, अच्छी बात है, वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ प्लस पॉइंट है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कश्मीर से। मेरा नाम लतीफ़ अहमद है। तो धारा 370 को कैसे देखते हैं आज, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया? जी धारा 370 एक समझो कि एक जैसे एक कोई कुंवारी लड़की जैसी होती है, तो उसको मान के वैसे चलते हैं कि उसको ले सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं जी ये हमारी बहू बेटी है या बहन है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ना करे ऐसा कि कोई फिर उसका पर्दा हटाए, तो फिर पर्दा हटने के बाद सब लोग उस पर बातें करते हैं कि देखो जी देखो कितनी खूबसूरत है क्या है, तो सब उस पर बातें बनाने लगते हैं। तो उस तरह से बात यह है कि जो धारा 370 थी, पहले पहल क्या थी कि वहाँ पर जो रणवीर पैनल कोर्ट के द्वारा जो बातें वहाँ थी सिलेक्टेड, कुछ चीज़ें थी कि उन चीज़ को लेके कश्मीरी को जो फ़ायदा हो रहा था, वो हटने के बाद वो चीज़ हमें सुविधा नहीं मिली कि जो बोली गई थी कि पार्लियामेंट में कि हटने के बाद इनको रोज़गार दिया जाएगा, इनको इनकी जो भी कोई हेल्प होगी वो पूरी की जाएगी। वहाँ पे एक पूरी क्या कहते हैं इसे इलेक्शन कमीशन बैठेगी और वहाँ डिसाइड करेगी कि हाँ वहाँ के CM जो हैं मतलब हमारे ही होंगे, जो इनके दुख दर्द को समझेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो इस बात को लेके हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे कि हाँ हटने वाला है, पर हटने के बाद हमें वो क्या कहते हैं उसे ना संतुष्टि नहीं मिल पाई कि जो उससे पहले हमें देखने को मिली थी। तो कुछ टूरिस्ट में बढ़ावा हुआ है या इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ लगी? नहीं, टूरिज़्म पहले से ही था और टूरिज़्म हमेशा ही रहेगा, ऐसे कोई चेंज नहीं आई है किसी भी चीज़ में कि जैसे जिसको मान के चले कि कुछ डेवलप हो रहा है या मोदी जी ने ऐसा कुछ काम कर दिया दिखाया कि हम लोग उसके फिर उस तरह से उस चीज़ को देखें। टूरिज़्म पहले से भी था और काफ़ी हद तक ये सोच रहे थे कि नहीं जी कुछ अलग चीज़ होगी कि जिससे टूरिज़्म को अट्रैक्ट होगा, यहाँ शिमला है, स्विट्ज़रलैंड है, तो थोड़ा सा कश्मीर की ओर अट्रैक्ट हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। टूरिज़्म जैसा था वैसा ही फ्लो है, आज भी है, बाई चांस इतना है कि हाँ जी सुविधाएँ जो थी वो देखने को मिली है। टूरिज़्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखने को कश्मीर में लें तो उसमें जो है टूरिज़्म वालों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की कोई ऐसी डेस्टिनेशन चुनी गई है, जैसे लाल चौक हो गया तो उसको मॉडिफाई करके टूरिज़्म के लिए थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव व्यू पॉइंट बना दिया गया। तो जो आतंकवाद की बात होती थी उसमें कुछ बढ़ावा या गिरावट कुछ आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दबोचा गया है, लोगों को दबोचा गया है अपने उस चाहे कोई भी जोर पीछे जैसे कहते हैं पॉलिटिकल अप्रोच करके दबोचा गया है लोगों को कि भाई आप बात करोगे तो फिर आपके घरों को सीज कर दिया जाएगा, ये चीज़ है। तो देखो आतंकवादी ऐसे नहीं बनता है, आतंकवादी के पीछे कोई एक कहानी भी होती है कि रीज़न, वो रीज़न जानने के लिए अगर यहाँ भी आ जाए कोई तो उसके पीछे जानना है कि इसके पीछे गरीबी क्यों है, तो अगर वो सरकार वो जाने तो शायद कोई गलत कदम चुनने के लिए राज़ी नहीं होगा। बस ये चीज़ें देखनी है कि अगर किसी का बेस है तो उसके बेस तह तक पहुँचने के लिए सरकार को जानना है, अधिकारी को जानना है कि इसकी बेस में क्या ऐसी वजह आ गई है कि ये गलत रास्ता चुनने के लिए रेडी हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आतंकवादी नहीं है, बस मसला ये है कि उनको थोड़ा ना इसलिए न्यूट्रलाइज कर दिया गया है क्योंकि तकलीफ़ें बहुत सारी झेलनी पड़ रही हैं, अगर कोई उनके साथ चाहे हेल्पफुल रहे या उनको देखे फिर वो उनकी कोई चीज़ ना बताए तो फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, तो उस वजह से उस बात को लेकर शांति है। बट अगर खुदा ना खास्ता ये हर सरकार हटने के बाद कुछ भी ऊँच नीच हो गया तो क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि 19 के बाद तो 4 महीने 5 महीने हमारे पास नेट नहीं चला कोई भी चीज़, तो हमें लगा था शायद सब कुछ ऐसा ही चलेगा, बस वैसा होने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बस वही एक पॉलिसी थी कि उस टाइम पे इनको एक वोट बैंक जीतना था, वो जीत के फिर कश्मीर वहीं का वहीं है जो इससे पहले था।